हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, इसके बारे में मेरे चैनल पे बहुत ही कम बात होती है। लूफी इस वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। कैसे? अगर तुम पूरे वन पीस को ध्यान से देखे हो, तुम्हें एक बात तो मालूम पड़ेगा, ये सीरीज कहीं ना कहीं से घूम फिर के कुछ वर्ड्स को लेके खत्म होती है और हमें बार बार पॉइंट आउट करती रहती है। ड्रीम, पायरेट किंग एंड फ्रीडम। ड्रीम, पूरे स्ट्रॉ हैट में हर किसी न किसी बंदे का कोई ना कोई ड्रीम है ही। एक को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, तो दूसरे को वर्ल्ड का मैप बनाना है, और ऐसे ही सबका अलग अलग ड्रीम है। नेक्स्ट, पायरेट किंग। सबसे पहला बंदा जो इस मुकाम को हासिल किया था वो था पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर, एंड फ्यूचर में जो बनेगा वो है अपना मंकी डी लूफी। एंड फाइनल पॉइंट, फ्रीडम। ये तो इन सब में सबसे तगड़ा पॉइंट है। अगर तुम गौर करके ध्यान से सोचो, तुम्हें मालूम पड़ेगा वन पीस में कोई भी फ्री नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हर जगह अजीबोगरीब नियम लगा रखा है। तुम्हारा यहाँ पे सवाल उठ सकता है, कैसे वो लोग फ्री नहीं है? अब देखो, वन पीस का वर्ल्ड अलग अलग आइलैंड से भरा हुआ है। वैसे अगर किसी को वन पीस का वर्ल्ड समझ में नहीं आता, तुम लोग जाके मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरे वन पीस के वर्ल्ड को ठीक से समझाया है। अगर तुम लोग को वन पीस का वर्ल्ड में कौन चीज कहाँ पर है नहीं मालूम है, जा करके ये वाला वीडियो देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। खैर, जैसा कि मैं कह रहा था, वन पीस का वर्ल्ड में कोई भी फ्री नहीं है। बंदा अपनी मर्जी से कहीं भी फ्रीली घूम नहीं सकता है। अब जो बंदा वन पीस ध्यान से देख रहा है, उसे एक बात तो समझ में आ ही गया होगा, वन पीस में पायरेट का मतलब सिर्फ समुद्री लुटेरा नहीं होता है। अब देखो, वन पीस का वर्ल्ड अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है। तुमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तुमको बोट से सेल करना पड़ता है। यहाँ पर उड़ने वाला प्लेन तो है नहीं, तो यहाँ पर तुम समुंदर में नाव के सहारे ही ना तुम लोग सेल करोगे। और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को यार अलग अलग आइलैंड में घूमना पसंद है, जिन्हें पायरेट्स कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समुद्री लुटेरा हो। प्लस वन पीस के वर्ल्ड में ये नमूने भी हैं। सेलेस्टल ड्रैगन, ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए। किसी को भी पकड़ के स्लेव बना देते हैं, किसी को भी गोली मार देते हैं, और इन्हें ये करने में मजा आता है। प्लस अगर तुम ये सोच रहे हो कि इनके ऊपर कुछ कहे नहीं करते जनता, तो अगर तुम इनको चोट पहुंचाओगे तो पूरा का पूरा मरीन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या कोई वन पीस में फ्री है? नहीं ना। लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिनके भी नाम के बीच में डी आता है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, ये अपने ड्रीम के लिए जीते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मंकी डी गार्प, हीरो ऑफ द मरीन। बैक टू द टॉपिक, पायरेट किंग का एक्चुअल मतलब क्या है? वो बंदा जो फ्रीली कहीं भी समुन्द्र में घूम सकता है, वो है एक्चुअल मतलब पायरेट किंग का। अब बात करते हैं लूफी इस वर्ल्ड को कैसे चेंज करेगा। अगर तुम लूफी को शुरू से देख रहे हो, वो भी गौर से, उसने हमेशा वर्ल्ड को चैलेंज किया है। उसे नहीं पसंद किसी का गुलामी करना, उसे फ्रीली घूमना पसंद है। भाई, इस बंदे ने अपने क्रू के बस एक मेंबर के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया था। निको रॉबिन के लिए इसने तो यार फ्लैग जला दिया था, अपने भाई के लिए मरीन से लड़ गया था। और यार वो वाला सीन तो तुमको याद ही होगा, जब इसने चार्लोस का मुंह तोड़ दिया था, भाई क्या एपिक सीन था। प्लस लूफी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये जहां भी जाता है ना, वहां के लोग इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, और यही खासियत इसे बाकी पायरेट से अलग बनाती है। अभी के टाइम पे लूफी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के वर्ल्ड में, बट किसी का भी अलायंस के मामले में वो मादा नहीं है जितना लूफी का है। अभी तक लूफी ने अपने क्रू के अलावा किसी को भी परमानेंटली अपने अलायंस वगैरह ये सब घोषित नहीं किया है, या फिर अपने अंडर आता है ये चीज घोषित नहीं किया है। लेकिन एट दी एंड हम सब जानते हैं, कल को अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लूफी वॉर करेगा तो सबसे बड़ी फौज इसी के अंडर होगी। एलबास्टा पूरा इसी के साइड है, स्काइपिया ये भी इसी के साइड है, वाटर सेवन बताने की जरूरत नहीं है, अमेज़न लिली वाले भाई, बोआ हैनकॉक तो इसके लिए जान दे सकती है। न्यू वर्ल्ड पे आते हैं, पूरा फिशमैन इसी के साथ है, ड्रेसरोजा ये भी इसी के साथ है, प्लस लूफी का ग्रैंड फ्लीट, इसमें तो यार पायरेट्स की ही भरमार है जो इसके सपोर्ट में है। फिर आते हैं ज़ोउ के मिंक ट्राइब, ये भी इसी के साथ है। इसके बाद जर्मा वाले, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एट द एंड ये भी इसी के साथ ही है। मुझे लगता है ये लोग आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने जितनों का भी नाम लिया, अभी का लूफी का करंट स्टेट को देख करके ही लिया, बट अगर हम लास्ट में बात करें, जब लूफी पायरेट किंग बन जाएगा, सब चीज हासिल कर चुका होगा, तब बात करते हैं।
तो यार सैंक्स भी इसी के साइड से ही लड़ेगा। बात करूं काइडो के बीस्ट पायरेट की, तो अगर काइडो मर भी जाता है तो भी ओनी प्रिंसेस है ना। मुझे नहीं लगता कि लूफी काइडो को मारेगा, क्योंकि लूफी ने अभी तक अपने किसी भी ओपोनेंट को जान से नहीं मारा है और ऐसा करेगा भी नहीं वो। तो मुझे लगता है बीस्ट पायरेट भी इसी के साइड से ही लड़ेगी। इसके बाद रेवोल्यूशनरी ये लोग भी इसी के साइड से ही लड़ने वाले हैं, प्लस रैली। फिर भी मैं यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम लेना भूल रहा हूँ। हॉकाई भी इसी के साइड से लड़ सकता है। और तुम यहाँ पर सोचो, ये सब जितने भी कैरेक्टर्स है ना, ये लास्ट में लूफी का ही अलायंस बनने वाले, सब लूफी के अंडर ही फाइट करने वाले हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो तुम सोचो, जब लूफी वर्ल्ड को पूरी तरह से चैलेंज करेगा, फाइट करेगा उनके खिलाफ, तब ये वर्ल्ड चेंज होगा कि नहीं होगा। उस वॉर के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब लोग फ्रीली घूम सकेंगे, जिसको जहां मन वहां जा सकेंगे, हर किसी का ड्रीम पूरा हो सकेगा। और इस वजह से यार लास्ट में वर्ल्ड को चेंज तो होना ही है। खैर, ये था आज का वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुमको क्या क्या करना है। और साथ ही साथ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तुमको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।